राखी जी, ये आप फैन लेकर के आई, इसका क्या ले आने का? जी बिल्कुल, ये मैं फैन लेकर आई हूँ। जब स्टार्टिंग में आपको मैं आज बता दूं कि मैं अथर रोड जेल के बाहर गई थी इतने सारे कंप्यूटर देने, आप सब लोगों ने देखा सालों पहले, मैं गई थी या नहीं गई थी बताइए प्लीज। मैं गई थी ताकि वहां पे जितने भी कैदी हैं उनका भविष्य सुधरे। मैंने हर वक्त कदम उठाया है तो मुझे ड्रामे का नाम दिया गया। मैं एक इनोसेंट लड़की हूँ, आपके देश की बेटी हूँ, मैं भी लोगों का भला करना चाहती हूँ। ये जो बड़े बड़े नेता बैठे सिर्फ वो ही देश का भला नहीं कर सकते। हाँ, मेरे हाथ में पावर नहीं है, बगैर पावर के भी मैं देश का भला करना चाहती हूँ, समाज सेवा करना चाहती हूँ। तो मैं न्यूज चैनलों में आके मैंने अपनी आवाज खोली, तब जाके लोग आके डिबेट करते हैं, बातें करते हैं। इसीलिए आज ये फैन मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि भारत माता की जय बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है, जो घर घर से ऐसे फैन हटाना, सीलिंग फैन हटाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी सीलिंग फैन से लटक के बहू बेटी हर कोई आत्महत्या करता है। मैं चाहती हूं ये सीलिंग फैन हटे और मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि घर घर में से सीलिंग फैन हटा दिया जाए। जो भी अपनी बहन से प्यार करता है, माँ अपनी बेटी से प्यार करती है, तो ये सीलिंग फैन हटाए घर से, टेबल फैन रखो, एसी रखो। लेकिन गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं है तो वो क्या करे? गरीब आदमी टेबल फैन नहीं रख सकता। हम लोग मिलके 5,000 फैन गरीबों में जा रहे हैं और दे रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी ऊपर भी जान है तो जहान है। फैन अगर आपको हवा चाहिए तो हवा टेबल फैन से भी आ सकती है। अब आप पिता अपनी बेटी से प्यार करता है तो फैन को हटाए, माँ अपनी बेटी से प्यार करती है तो सीलिंग फैन को हटाए, क्योंकि हर बेटी हर आदमी जो भी है, अभी अभी आप देखिए तो हमारी प्रतिष्ठा सेलिब्रिटी थी इसलिए न्यूज में आया। अभी भी एक महिला ने परसों रात को फैन से लटक के जान दी। गीता है, गीता ने दी जान। एक एक करके भाई, एक एक करके। अगर राखी, अगर किचन नाइफ से भी लोग अगर हत्या करते हैं तो कल आप कहोगे कि किचन में जितनी भी नाइफ है सब बंद कर दो, तो मतलब ये तो जिस तरह से नहीं, मैं सीलिंग फैन की बात कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 360 डिग्री जो डेज है उसमें से एक साल में कम से कम 1,000 लड़कियां आत्महत्या करती है। सीलिंग फैन हटाया जाए, ये मेरी मांग है, सीलिंग फैन हटाया जाए, टेबल फैन रखो, एसी रखो, जो सबसे ज्यादा गरीब है। रेलवे के अंदर रोज का है ना, 150 लोग मरते हैं तो रेल बंद किया जाएगा? मैं सीलिंग, वो सरकार कदम उठाए, हम लोगों ने भर भर के वोट दिए हैं। देखिए, मैं आप सुचार की बात करते हैं तो रेलवे के अंदर रोज 150 लोग मरते हैं तो ये बंद किए जाए रेलवे? राखी, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं आज के दिन ही। राखी, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं आज के दिन ही, 5 अप्रैल 1993 जी, वो दिव्या भारती ने बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा जी। तो क्या मुंबई में बिल्डिंग बनाना बंद कर दिया जाए? नहीं, देखिए प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाइए प्लीज, इज अ रिक्वेस्ट, आप मजाक मत उड़ाइए। दिव्या जी भी बहुत ही बेहतरीन अदाकारा थी, बहुत ही मासूम लड़की। मुझे बेहद दुख है ये कहते हुए। नहीं, मतलब ये राखी सावंत ने फैन का बात करी, आप तो आप लोग मजाक उड़ा रहे हो। यही कोई मिनिस्टर या स्मृति ईरानी जी ये काम करती तो आप लोग तालियां बजाते हैं ना? क्यों, क्यों? एजुकेशन मिनिस्टर है वो, इसीलिए मतलब हमें कोई अधिकार नहीं है बोलने का। नहीं, बेसिकली हम वापस मुद्दे पे आए, वापस मुद्दे पे आना चाहते हैं। आपके पास जो वीडियो है मीडिया को देना चाहेंगे? नहीं, पहले हम लोग सारे प्रूफ जो हैं वो पुलिस में और क्राइम ब्रांच को देंगे।